मेरा नाम क्लोई है। ज्यादातर लोगों ने मैं एक औस्तन किशोरी के रूप में आती हाँ। वड्डी बहन सोफी कुछ शायद कहन की ओवर प्रोटेक्टिव है पर वो मेरी पाली कर रही है। हाँ ये नहीं हो सकता, की हाल है? मैं ठीक हूँ। मैं हां गली दे विचकार जमीन ते पई हुई एक कुछ भी हो सकता सी जिसके कारण ही होया मग या हग जा मेज जिसते मैं बैठी सी जा हवा जिसच मैं सा लिया सी। दरअसल मैनू स्ट्रॉबेरी तो एलर्जी है। इतों तक की स्ट्रॉबेरी का मामूली जा कतरा भी मेरे लिए घातक है। बदकिस्मती नाल ए ओहो है जिस नाल मैनू दिन रात रहना पैंदा है। स्ट्रॉबेरी द्वारा मारे जान की कल्पना करो। एलर्जी यूके की वेबसाइट एनाफिलैक्सिस दे लक्षणा का वर्णन करती है जिवें कि जीब अते गले की सोज निगलन या बोलन विच मुश्किल आवाज विच बदलाव एक बेसुरी आवाज वांग खरखराहट जा लगातार खांग जा गंभीर दमा मुश्किल जा शोर नाल सा लेना पेट विच दर्द जा उल्टियां चक्कर आउने डिग जाना जा बेहोश हो जाना यह ब्लड प्रेशर की गिरावट के कारण है। अति बच्चा विच फ्लॉबिनेस के तौर पर प्रदर्शित करता है। असे हम तुहानू दिखान जा रहे हां कि ऑटो इंजेक्टर जा एपी पेन दी वरतों किवे करिए जड़ा की ब्रांड नेम है। पहला कदम शांत रहो उन्हां नाल गल्लां करते रहो। दूजा कदम नीली कैप नू हटाओ। तीजा कदम पट तो 10 सेंटीमीटर दी दूरी ते पकड़ो अते मजबूती नाल पकड़ो। चौथा कदम एपीपेन नू जगह ते रखो। पंजवा कदम एपीपेन नू हटाओ अते टीके वाली थां ते मसाज करो। छेवा कदम 999 दी कॉल करो ते एम्बुलेंस दी मंग करो। दसो कि तुहाडे कोले एनाफिलैक्सिस दा मरीज है। क्लोई दी प्रतिक्रिया बारे तत्थ। क्लोई नू प्रतिक्रिया तो बाद अस्पताल जाना पिया। उसको 17 स्टेरॉइड्स दी कॉकटेल है। क्लोई नू हमेशा दिल दे मॉनिटर ते रखना हुंदा है। प्रतिक्रिया तो बाद क्लोई दे शरीर नू ठीक होने विच 2 हफ्तियां दा समा लगता है। उसनू कॉलेज तो समा कढ़ना पाएगा जो तनाव नू वधांदा है अते किते भी हो सकता है इत्थों तक कि बस खरीददारी करन या एक रेस्टोरेंट विच खाना खांदे वेले भी। ओ ये थे ये बहुत वधिया है। की ये स्ट्रॉबेरी है? नहीं ये सिर्फ रेसबेरी है। ओ नहीं इसका अर्थ है चटनी की। तुहानू पता है कि चटनी की है? मैनू यकीन नहीं है, माफ कर। रेस्टोरेंट विच स्टाफ नू एलर्जी बारे दसो। लोकां नू अपनी एलर्जी बारे दसन तो ना डरो, खासकर जदों बाहर खाना होवे। जे तुहानू शक है तां बेहतर है खाना ना खाओ। भोजन नू सुरक्षित रखना। एलर्जी रहित खाना पकाउन लई पूरे तरीके नाल वखरे समर्पित उपकरणा दी वरतों करो। फर्श नू चंगे तरीके नाल साफ करो, ताजा साफ कपड़ा साबन अते गरम पानी दे नाल। इस तो वे बेहतर एलर्जी फ्री खाना पकाउन दे लई बिल्कुल वखरे खेतर दी वरतों करो।
एलर्जी वालिया लई हेठली सेल्फ दे ढक्कन लेबल वाले कंटेनरा विच सुरक्षित स्टोर करना चाहिए ने। स्प्लिच द्वारा गंदगी नू घट करन दे लई। यात्रा करना हमेशा मुश्किल हुंदा है, इसलिए असी हमेशा इस गल नू तरजीह दिंदे हां कि स्टाफ दे एक मेंबर नू एलर्जी दी गंभीरता बारे दस्या जाए, क्योंकि सानू नहीं पता कि ओ केड़े उत्पाद वेचन जा रहे ने जां होर यात्री जो सवार हो जा रहे ने। ते इस स्थिति विच असी एयर होस्टेस नू सद्दा दित्ता, स्थिति बारे दस्या ते प्यार नाल पुछया जे ओ दूसरे यात्रियां लई कोई ऐलान कर सकती है। उसने फिर मैनू रोक के आते कहा, मैं जानती हाँ कि मैं अपना काम किवें करना है। असी क्या ठीक है, वो ठीक सी। सानू अजिहा लग्या कि वो थोड़े गुस्से सुभाव दी सी, अते फिर उसकी आवाज टनोई उते आई। सारी औरतां ते मर्दां नू नमस्ते, अज शाम साडे नाल इक यात्री है जिसनू गंभीर हवाई स्ट्रॉबेरी एलर्जी है। इसका मतलब है कि असी तुहानू दयालुता नाल कहना चाहुंदे हां कि तुसी कोई भी स्ट्रॉबेरी उत्पाद खोलन तो गुरेज करो। इसका मतलब है कि असी अपना कोई भी स्ट्रॉबेरी उत्पाद नहीं बेच सकते, जिवें गुलाब वाइन, स्ट्रॉबेरी अतर आदि। साडी अज दी खास पेशकश स्ट्रॉबेरी मिठाई है जो कि हुण वैलिड नहीं हन। मैनू पता है। लोग असल विच हसन ते कहन लग पए, ओ एलर्जी शायद एक मजाक है। इसलिए मैं फिर जाके उसनू ए दसन दी कोशिश कीती कि सानू स्थिति बारे किवें महसूस होया। रेल दी कहानी ए सी कि साडे विचों एक समूह स्कूल नाल लंडन जा रहा सी, अते उत्थे एक यात्री सी जिस कोल स्ट्रॉबेरी सी, अते अध्यापक सचमुच नाटकी सी। स्ट्रॉबेरी, सारे लोग नीचे उतरो, ऐसे वेले नीचे उतरो। हर कोई उस ट्रेन विच कह रहा सी एक ही हो रहा है। अति अध्यापक लोकां नूं रस्ते तो बाहर तक रिया सी ते असली विच नाटकी सी, अति असी कुछ नहीं कीता पर हसदे रहे। पर वैसे भी सब कुछ होण तों बाद इसदा मतलब इह होया कि असी पहली क्लास विच आ गई। रेल विच जो कि चंगा सी। जदों भी मैं पीन जांदी हां तां मैं अपनी एलर्जी बारे सोचदी हां। की हाल है? दूर हट गई। तुसे मैनूं मेरी स्ट्रॉबेरी मारनी छिड़काई। मैं अपनी एलर्जी बारे नवे दोस्तां नूं दसन बारे चिंतित हां। मैनूं चिंता है कि लोग मेरे बारे की कह सकदे ने। मैनूं अपनी एपी पेन नूं भुल्लण दी चिंता हुंदी है। मैं इकल्ले रहन अति प्रतिक्रम होन बारे चिंतित हां। यह मैनू कई बार इकल्लापन महसूस करा सकती है, क्योंकि जिथे भी तुसी जानदे हो हमेशा यह गल तुहाडे दिमाग विच हुंदी है। तुहानू लोकां नू दसना पएगा ते अपने आले दुआले दी चीजां बारे जानू होना पएगा, अते यह तुहानू काफी वखरा महसूस करा सकदा है, क्योंकि ज्यादातर लोकां नू इस बारे सोचण दी जरूरत नहीं, पर तुसी करदे हो। मैं जानदी हां साडी दूजी भैन लूसी, असीं पिछले समय विच इस बारे विचार वटांदरा कीता है। जदों वी असीं अपनी मम्मी तों कुछ मैसेज या कॉल प्राप्त करदे हां, साडा तुरंत जवाब हुंदा है एह क्लोई होएगी। अते तुसी जानदे हो असीं उस दिन तों डरदे हां जदों सानू फोन आया ते असीं हुण तिन नहीं रहे, हुण सिर्फ दो ही हन। तुसी जानदे हो खतरा हमेशा हमेशा ही है, अते इह मैनूं डर नाल भर दिंदा है, क्योंकि मैं उसनूं बहुत प्यार करदी हां। कानून विच मन्निया जांदा है कि इत्थे 14 फूड एलर्जन्स हन। इह हन सैलरी, ग्लूटन वाला सीरियल, क्रस्टेशियंस, अंडे, मच्छी, ल्यूपिन, दूध, मॉलस्क, राई, नट्स, मूंगफली, तिल के बीज, सोया आदि, सल्फर डाइऑक्साइड जो कई बार सल्फाइड्स वजो जाना जाता है। दूसरे भोजन भी हैं जो एलर्जी दिया प्रतिक्रियावां का कारण बनते हैं, जिवें कि स्ट्रॉबेरी, कीवी, मशरूम्स आदि, होर बहुत सारिया चीजा। कुछ एलर्जीन्स छुपे भी हो सकते हैं, जिवें कि स्ट्रॉबेरी फलां दे रस वर्गी तत्तां विच छुपी हो सकती है, जा फलां दी शक्कर। खाने दे लेबल नू चेक करो। मान्यता प्राप्त एलर्जीन्स उजागर किते जानगे, विच हो सकदा है चेतावनी भी वेखो।
एलर्जी प्रतिक्रिया हल्के, दरमियानी जां गंभीर हो सकते हैं। कुछ मामलों विच यह जानलेवा भी हो सकते हैं। इसे नू एनाफिलैक्सिस कहा जाता है। हर साल 20,000 तो वध लोग एलर्जी नाल अस्पताल विच दाखल हुंदे ने। 6-8% बच्चियां नू भोजन तो एलर्जी हुंदी है। सब तो आम एलर्जी बूर हन। दूध, कनक, ग्लूटेन, नट्स, फल आते अंडे। एलर्जी वाले लोग कुछ ही मिनटा विच अपनी प्रतिक्रिया दे संकेत दिखाउंदे हन, जबकि कुछ 2 घंटे बाद। कुछ लोगों विच एलर्जी होने दी वधेरे संभावना होंदी है, क्योंकि उन्हां दे परिवार विच चलदी है। मुंडिया विच एक कुड़िया नालो ज्यादा एलर्जी होने दी संभावना होंदी है। मां होने दे नाते जदों तो तुहाडा बच्चा तुहाडी बाहां विच हुंदा है, तुसीं चिंता करदे हो। हर माँ प्यो करते हैं। मैनू पता है जानलेवा स्थिति वाले बच्चे की देखभाल करना मुश्किल हो सकता है। कुछ दिन दूजिया नालों आसान होंदे हैं, कुछ दिन इन्ने आसान नहीं होंदे। चिंता वो चीज है जिस नाल मैं रहना सीखा है। मैं हर प्रतिक्रमना नजिठन की कोशिश करती है। मैं सोचने की कोशिश नहीं करती कि अगे की है। हर माँ प्यो का सब तो बुरा सपना होंदा है कि वो अपने बच्चे को गवा सकते हैं। मेरा काम क्लोई नू सुरक्षित रखना है। मैं सिर्फ एक ही जगह की 100% गारंटी ले सकती हाँ कि क्लोई सुरक्षित है, वो है साडा घर। हर बार जदों क्लोई घर तो बाहर जाती है, मैं उसनू एक जानू चून करती हाँ जो उसनू संभव तौर पर आम जिंदगी जी सके। क्लोई लई मेरी उम्मीद यही है कि वह अजे भी अपनी एनाफिलैक्सिस नू वधा सकती है। एक घट अते घट दिखाई दे रहा है, पर मैनू अजे भी उम्मीद है। क्लोई लई मेरा सपना यह है कि वह एक खुशहाल संपूर्ण जिंदगी जीवे, कि उसके सारे सपने पूरे हो। क्लोई लई मेरी इच्छा है कि वो सुरक्षित अते चंगी रहे, जो लोग समझते रहेंगे अते सारी उम्र उसकी स्थिति का समर्थन करेंगे।